Welcome to all the students of Rajesh Public School. I hope you all are safe at home. So let's please start our today's topic. आज का topic हम लोग start करते हैं. मगर आज का topic start करने से पहले हम लोग previous classes में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसको हम लोग देख लेते हैं. तो previous classes में हम लोगों ने environmental pollution के बारे में पढ़ा था कि what is environmental pollution, what are the effect of that, and वो कितने type का होता है. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था. फिर उसके टाइप में हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को देखा था, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखा था. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नॉइज पॉल्यूशन को देखा था एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. एंड आप लोगों का होमवर्क था कि हाउ कैन यू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन इन योर ओन वे. आप लोग खुद के तरीके से नॉइज पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते. वैसा वे फाइव वे लिखना था आप लोगों को एब्जॉर्ब करके. सो लेट्स हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे. आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण. वाटर पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, जल प्रदूषण. आपने हमारा जल प्रदूषित कैसे होता है सोचो कि हमारा जल प्रदूषित कैसे होता है. स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दैट कि हमारा जल, हमारा जो पानी होता है वो पॉल्यूट कैसे होता है. ओके सो देखते हैं हम लोग कि हमारा पानी जो है वो पॉल्यूट कैसे होता है, हमारा जल जो है प्रदूषित कैसे होता है. सी यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. हम लोग समझते हैं कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है. अब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, हमारे एक्टिविटी के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वाटर पॉल्यूट होता है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वाटर पॉल्यूट होता है, वो भी हमारे वजह से कैसे होता है. जैसे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है लिक्विड में, लिक्विड वे का जो इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली वाटर में डंप हो जाता है, डायरेक्टली वाटर में चला जाता है, क्योंकि वाटर को बहुत हद तक पॉल्यूट कर देता है. वाटर को पॉल्यूट करता है वो एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म होता है उससे. वाटर पॉल्यूशन से एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हार्म होता है. और अगर उस वाटर को हम लोग डायरेक्टली अगर ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं उस वाटर को, तो वो वाटर हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. जहर के बराबर पॉइजन की तरह को काम करता है वाटर. तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ही वाटर पॉल्यूट होता है. जब वो हार्मफुल सब्सटेंस, जब वो हार्मफुल लिक्विड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जब वाटर में जाके डंप होता है, तो डंप होता है तो वो वाटर को क्लीन तो नहीं कर रहा है, क्लीन तो नहीं कर रहा है ना. क्लीन करता तब तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता ना. जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो वाटर को हार्म करता है, और हार्म करना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर का जो प्योरिटी लेवल है, वाटर की जो शुद्धता है जो हमें नेचर के द्वारा दी गई है, उसको क्या हो रहा है, उसको हानि पहुँच रहा है. वाटर की प्योरिटी को क्या हो रहा है, वाटर की प्योरिटी को हमारे द्वारा हानि पहुँच रहा है. और जब वाटर की प्योरिटी को हानि पहुँच रहा है तो वो हम पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है. एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा असर करता है, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा असर करता है. जो पूरा का पूरा साइकिल है, नेचर का साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से. तो वाटर पॉल्यूशन की वाटर बॉडीज में देखते हैं कि क्या होता है. वाटर पॉल्यूशन है तो वाटर बॉडीज क्या होता है. वाटर बॉडीज हम लेक्स ले सकते हैं, रिवर ले सकते हैं, ओशन ले सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉन्ड है. लेक्स रिवर ओशन ये सारी चीजें क्या हो रही है, डे बाई डे इम्प्योर हो रही है. जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हम लोग अभी देख रहे हैं डे टू डे लाइफ पे. अभी हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा भयावह है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है. मगर कहीं ना कहीं हमारे नेचर को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है लॉकडाउन से. वो इस तरह से फायदा हो रहा है कि जो हमारा जैसे कि पॉल्यूशन करने का पॉल्यूशन जिन चीज़ों से होती है वो चीज़ें तो हो ही नहीं रही है, तो पॉल्यूशन होगा कहाँ से. पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है. एक रिपोर्ट में आया था जिसमें
स्थिति अभी हो गई है, मतलब 20 साल पहले की तरह हमारा वातावरण, हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो गया है। ओके, तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है कि हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक एनवायरमेंट बोर्ड है घाट इन हरिद्वार आर क्लीन फॉर ड्रिंकिंग। हम लोग इमेजिन, हम लोग मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे डायरेक्टली वाटर रिवर या पॉन्ड से डायरेक्टली वाटर को पी लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। हम लोग घर से प्योरीफाइड वाटर को पीते हैं जो हमारे घर में प्योरीफाई किया जाता है। लेकिन एक एनआईवी रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि हरिद्वार में जो वाटर है, जो नदी में आजकल पानी जो बह रहा है वो इतना साफ हो गया है कि उसको हम लोग डायरेक्टली पी नहीं सकते, इतना ज़्यादा वाटर क्लीन हो गया है कि डायरेक्टली हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको पी सकते हैं। तो हमारे नेचर को तो इससे फायदा बहुत ज़्यादा हुआ है लॉकडाउन से, क्यों, क्योंकि उस चीज़ को पॉल्यूट करने वाले हम है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा पॉल्यूशन कितना ज़्यादा फैलता है। और वाटर अभी इन 2-3 महीने में वाटर की प्योरिटी इतना, वाटर की प्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको हम डायरेक्ट ड्रिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट पी सकते हैं। तो वाटर यहाँ से देख सकते हैं लोगों की क्या एग्जाम्पल है वाटर का। अब हम आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अर्थ पे जो 97% वाटर है वो हम लोगों को कहाँ पाया जाता है, ओशन में पाया जाता है। बट 97% जब आया तो वाटर है, तो वाटर की स्कार्सिटी क्यों होती है, जब हमारे यहाँ 97% वाटर है, इतना ज्यादा वाटर है, हम लोग इतना ज्यादा समुद्र में देखने को मिलता है। आप लोग सोचते होंगे इतना समुद्र में पानी है तब पर पानी का प्रॉब्लम क्यों होता है। बट यहाँ पे ओनली 3% ऑफ वाटर इज प्योर फॉर ड्रिंक, सिर्फ और सिर्फ 3% ही वाटर है जो ह्यूमन के यूज में आता है। ओके, ओनली 3% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन। सी 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फॉर्म, बट ओनली 3% ऑफ वाटर है वो हमारा यूज है, और इसको कितना ज्यादा हाई वे में इसको डिस्टर्ब किया जाता है, वाटर की प्योरिटी को हम लोग भंग कर देते हैं, वाटर की प्योरिटी को हम लोग हार्म पहुंचाते हैं, गंदा करते हैं। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों आते हैं, वो आप लोगों को समझाते हैं यहाँ से। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन हम लोगों ने अच्छे से देखा कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एंड वाटर बॉडीज क्या क्या है जो पॉल्यूट होती है। तो वाटर बॉडीज है लीवर, ओशियन, ये सारी चीज वाटर बॉडीज में आती है जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वाटर को पॉल्यूट कर देती है। जो हार्मफुल लिक्विड मटेरियल्स निकलते हैं, हार्मफुल लिक्विड वेस्ट निकलते हैं जो इंडस्ट्री से, हमारे हाउसहोल्ड से, जो डायरेक्टली जाके इसमें डंप कर दिया जाता है, इससे हमारा वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। और अभी जो वाटर पॉल्यूट नहीं हो रहा है उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हमारा वाटर क्या हो गया है, हमारे रिवर्स के वाटर हमारे पीने लायक हो गए। तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि पॉजिटिव ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पॉजिटिव ऑफ वाटर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन का कॉज क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे। गार्डन एंड लिक्विड वेस्ट्स ऑफ हाउस होल्ड, सी हम लोग जैसे डेली वे में एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पीपल ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं इन चीजों के मामले में। ओके, वो अपने आराम के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अगर कचरा फेंकने आपको हम ये ज्यादातर विलेज वगैरह में देखने को मिलते हैं कि वहां पे घर का जो
ये भी वो है कि जैसे घर में बहुत सारे तरह का कचरा पाया जाता है जिसको इन लोगों को प्रॉपर वे में डिस्पोज करना चाहिए, मगर अवेयरनेस की कमी होने के कारण या फिर जानबूझ के, अवेयरनेस की कमी तो उसका ही है, मगर जानबूझ के भी लोग क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए वाटर को पॉल्यूट करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो देख सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड एंड फैक्ट्री आर, यहाँ पे हम विलेज में एक और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि विलेज में एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एनिमल्स को वाटर में उनको नहलाया जाता है, उनको साफ किया जाता है। गांव के लोग जो है वो अपने घर का क्लोथ्स होता है, जो वैसे लोग जो क्लोथ्स वॉश करने का काम करते हैं वो क्या करते हैं डायरेक्टली वाटर में जाके साबुन सोप यूज सर्फ सोप यूज करके उसको वाटर में क्या करते हैं उसको उसकी सफाई करते हैं, उसकी सफाई तो कर लेते हैं मगर वाटर को क्या करते हैं डर्टी कर देते हैं, अनक्लीन कर देते हैं, इनप्योर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं, ऐसे खुद से ये महसूस कर सकते हैं, मतलब कि आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड एंड फैक्ट्री आर डिस्चार्ज इन टू लेक्स एंड रिवर्स। एग्रीकल्चरल लैंड, अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है इससे क्या मतलब बनता है, तो एग्रीकल्चरल लैंड से ये मतलब बनता है कि जैसे कि सपोज डैट कि मैं फार्मर हूँ, ओके मैं फार्मर हूँ और मैंने क्या किया कि एक फील्ड है वहाँ पर मैंने खेती की, वहाँ पर मैंने कोई रात दिन में जाकर बीज बोया, ओके दिन में जाकर मैंने वहाँ पर बीज लगाया और उसमें पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह उसने डाले और उसको छोड़ दिया और मैं घर पर आ गई क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर वे में मैंने वहाँ पर खेती की कि अब ये बढ़ेगा, उसके लिए मैंने पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत सारा बहुत कुछ डाला और उसके बाद मैं घर पर आकर सो गई। ठीक है, रात में क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई, तो बारिश हुई तो वो क्या किया, वो सॉइल को क्या किया, सॉइल को वो बहाते हुए ले गया, सॉइल सब केमिकल पेस्टिसाइड सबको बहाते हुए अपने साथ, बारिश का जो पानी होता है वो सबको बहाते हुए कहाँ ले गया, नदी में, और नदी में जब वो ले गया तो नदी क्या हुआ, नदी में हार्मफुल पेस्टिसाइड केमिकल्स मिले और वाटर क्या हुआ, यहाँ पे भी वाटर पॉल्यूट हुआ। फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज इन टू लेक्स एंड रिवर्स। फैक्ट्रीज में सी बिग हार्मफुल वेस्ट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स विच मेक वाटर पॉल्यूशन एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। सी फैक्ट्री में स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दैट, सोचो कि फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें तो बनती है, सारी तरह की प्रोडक्ट जो होती है वो फैक्ट्री में बनती है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, केमिकल प्रोडक्ट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, कीटनाशक हो गया, उसके बाद बहुत सारा कंज्यूमरी प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं। और जब ये फैक्ट्री में बनती है तो क्या होता है, वहाँ से देश में लेकर क्यों बनता है, जब मेडिसिन वगैरह बनता है तो वहाँ से देश में लेकर क्यों बनता है, और वो वेस्ट मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा डायरेक्टली वाटर और रिवर में उसको डंप कर दिया जाता है। जब डंप कर दिया जाता है तो वो चीज़ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पॉइजन की तरह होता है, इससे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हर साल मेरे को न्यूज़ में ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेविंग बहुत बड़े पैमाने पर मर जाते हैं या फिर मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइजनस वाटर की वजह से। तो यहाँ है ये फैक्ट्री, इनको डायरेक्टली वाटर में डंप नहीं करना चाहिए, इनको अगर वेस्ट है तो उसको प्रॉपरली उसका जो टॉक्सिन होता है उसको हटा देना चाहिए और बाकी का जो बचा हुआ वाटर तब जाकर उसको वाटर में वेस्ट करना चाहिए ताकि इतने बड़े लेवल पे उन लोगों को क्षति महसूस ना हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्यू वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन देख लिया हम लोगों ने, कॉलेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन देख लिया, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दो, मैंने आप लोगों के लिए दो लिख दिया है कि ऐसे हम लोगों को वाटर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मगर अगेन आप लोगों का होमवर्क है राइट फाइव वे टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कंजर्व एज मच एज वाटर पॉसिबल। हम लोग जो है वाटर जो पॉल्यूट है, वाटर तो पॉल्यूट होता ही है जब वो वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, वैसे एरिया में जहाँ पर वाटर
सर्कल्स नहीं समझते और वाटर को बहुत हाई लेवल पे क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। जैसे कोई अपना बाइक वॉश कर रहा है, कोई अपना कार वॉश कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा लेवल पर वाटर को वेस्ट करते हैं। कोई ब्रश कर लिया तो ब्रश करने के समय क्या किया उन्होंने, नल को ओपन कर दिया, ब्रश कर रहे हैं तब तक क्या हुआ, पानी वेस्ट हो रहा है। कोई नल खोल के छोड़ दिया, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वहाँ से पानी वेस्ट हो रहा है, वो बाद में अपना कुछ काम करके वहाँ से आता है। तो इस तरह से हम लोगों को देखा जाता है कि हम लोगों को वाटर कम से कम यूज करना चाहिए, कम से कम वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, वाटर कंज्यूम हो, वाटर बचा हुआ रहे। तो यहाँ पे क्या है, कंजर्व एज मच एज वाटर पॉसिबल। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, राजस्थान वगैरह हो गया एग्जाम्पल में, यहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, वहाँ पर वाटर को प्रॉपर वे में अच्छे से यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को हाई लेवल पे वेस्ट करते हैं, जिससे कि क्या है, उनको अवेयर इन चीजों से होना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपके साथ भी ये हो सकता है, आपके शहर में भी आपके जगह पर भी वाटर की स्कार्सिटी हो गई है, वो हो सकती है। डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपर्टी, जो हमारे हाउस होल्ड से वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसको प्रॉपरली हम लोगों को डिस्पोज करना चाहिए। सूखा कचरा है तो उसको अलग कर देना चाहिए, गीला कचरा है तो उसको भी अलग रख देना चाहिए, उसमें से भी हम लोगों को जो ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है उसको अलग निकाल के अच्छे से रखना चाहिए, ताकि जब कचरा वाला आए तो उसको अच्छे से ले जाके आगे वो डिस्पोज कर सके। ओके, तो वाटर को अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, ना कि नदी में, नाले में, कहीं पर भी जाके डायरेक्टली वाटर को वेस्ट डंप कर दिया, अपने अपने फायदे के लिए डायरेक्टली वाटर को क्या किया, डंप कर दिया, वो क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर को हाई लेवल पे नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है, इसी से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। अभी हम लोग एक और चीज में ऐड कर सकते हैं कि सी नंबर में ऐड कर सकते हैं कि इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग ऐसे कि अवेयर पीपल राइट फाइव वे